गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार उप संपादक की खास रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय में 35वें वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का हुआ आयोजन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय सैदपुर गाजीपुर के 35वें वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर ब्रह्मदेवन निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश के महाविद्यालय में आगमन पर प्राचार्य डॉक्टर नीरज कुमार गुप्ता एवं समस्त प्राध्यापकों द्वारा पुष्पगुच्छ के साथ भव्य स्वागत किया गया। इसके पश्चात निदेशक महोदय ने महाविद्यालय में नवनिर्मित 2 स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया और उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा छात्र छात्राओं के उपयोग हेतु विकसित लर्निंग पार्क का निरीक्षण किया। वार्षिकोत्सव का शुभारंभ निदेशक महोदय द्वारा सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। प्राचार्य ने शाल और स्मृति चिन्ह देकर निदेशक महोदय को सम्मानित किया। इसके बाद श्री सुनील कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान ने निदेशक महोदय का परिचय देते हुए उनका स्वागत किया। वार्षिकोत्सव में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत, देशभक्ति परक गीत, गजल, लोकगीत, नृत्य आदि उत्कृष्ट सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से मुख्य अतिथि सहित सबका मन मोह लिया। अपने संबोधन में निदेशक उच्च शिक्षा प्रो ब्रह्मदेव ने बच्चों को शिक्षा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व एवं चरित्र को पूर्ण विकसित करने को कहा और साथ ही महाविद्यालय में होने वाले क्रीड़ा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए उनको प्रोत्साहित किया, जिससे उनका शरीर एवं मन स्वस्थ तथा प्रसन्न रहे। उन्होंने कहा कि छात्रों को सफलता का शॉर्टकट मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। राजकीय महाविद्यालय में छात्राओं की बढ़ती संख्या को उन्होंने महिला सशक्तिकरण से जोड़ते हुए उन्हें ज्यादा मेहनत करने और आगे बढ़ने का संदेश दिया। महाविद्यालय में स्मार्ट क्लास की उपलब्धता को सूचना क्रांति की आवश्यकता बताया और सभी छात्रों को इस सुविधा से लाभान्वित होने की शुभकामनाएं दी। इस क्रम में उन्होंने मोबाइल के दुष्परिणामों से सावधान करते हुए इसके सकारात्मक प्रयोग की सलाह दी। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नीरज कुमार गुप्ता ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में निदेशक उच्च शिक्षा के प्रति महाविद्यालय का आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कृतज्ञता ज्ञापित की। उन्होंने छात्र छात्राओं को जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर उसके लिए कठिन परिश्रम करने को कहा। प्राचार्य ने महाविद्यालय की वार्षिक प्रगति आख्या भी प्रस्तुत की। इसके बाद निदेशक महोदय ने अपनी कक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्र छात्राओं तथा क्रीड़ा समारोह के विजेता तथा उपविजेता छात्रों को पुरस्कृत किया। इसके साथ ही इस सत्र के विभागीय परिषद के विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वार्षिकोत्सव के संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन श्री रामरूप एवं धन्यवाद ज्ञापन महाविद्यालय के समारोहक डॉक्टर विभू प्रकाश सिंह ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर अच्छेलाल यादव, डॉक्टर दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर साधना मौर्य, डॉक्टर रामविलास यादव, श्री अमित कुमार केशरी, डॉक्टर आयुषी राय, डॉक्टर कुमकुम, डॉक्टर कृष्ण मोहन पाठक, श्री अरविंद कुमार, डॉक्टर बलबीर सिंह सहित समस्त प्राध्यापक एवं कर्मचारी गण उपस्थित रहे।